लग रहा है हम लोग तो मिक्सर में ग्राइंड कर रहे हैं। वेलकम टू माई न्यू ब्लॉग। और इस ब्लॉग में मैं आपको लेकर चलूँगा दुर्गापुर का रथ मेला, जो कि काफ़ी बड़ा है और वहाँ बहुत सारा राइड है जो कि काफ़ी ख़तरनाक और डेयरिंग है। तो हम लोग उस पर चढ़ेंगे और इन्जॉय करेंगे। मैं तो रथ मेला मतलब आज तक नहीं गया हूँ, फर्स्ट टाइम जा रहा हूँ और मेरे साथ जा रही है मेरी पूरी फैमिली, तो बहुत मज़ा आने वाला है। आप वीडियो को देखिए और इन्जॉय कीजिए। चलिए चलते हैं मेला में, मिलते हैं आपसे। चित्रालय मार्ट में जहाँ पे ये रथ मेला लगा है। ये मेला 2 सालों से यहाँ पे नहीं लगा था ड्यू टू कोविड, बट इस साल यहाँ पे परमिशन मिला है मेला लगाने का। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कितना ज़्यादा भीड़ है और यहाँ पे बहुत सारा राइड आया है। हम लोग एक एक करके सारे राइड्स पे जाएंगे और इन्जॉय करेंगे और आपसे एक्सपीरियंस शेयर करेंगे। वो जो सामने दिख रहा है 360 वाला राइड, वो सबसे ख़तरनाक है। मतलब सामने से उसको देख के ही हार्ट बीट फास्ट हो जा रहा है, तो उस पर जाएंगे तो पता नहीं क्या होगा। तो जैसा रहेगा मैं आपको एक्सपीरियंस शेयर करूँगा और चलिए मेला को एंजॉय करते हैं। गाइस, मैंने टिकट ले ली है इस राइड के लिए और ये लोग मेरे को रेडी की जाने के लिए। यहाँ पे स्लाइड का ओनर लोग जा रहे हैं, पीछे देखिए क्या चल रहा है, आवाज़ बहुत डिस्टर्ब करेगा। और हम लोग जो राइड पे जा रहे हैं, बहुत ही खतरनाक राइड होने वाला है, तो आपको दिखाएंगे कैसे हम लोग राइड करेंगे। मैं तो फर्स्ट टाइम जा रहे हैं, हम लोग सब फर्स्ट टाइम जा रहे हैं, मैं तो नहीं जा रहा था, लेकिन ज़बरदस्ती इन्होंने बोला कि आप जिम करते तो चलिए, आप क्यों नहीं जा रहे, इसलिए मैं भी जा रहा हूँ। देखिए क्या हाल हो रहा है अंदर पर बैठे ऑडियंस का, रो रहे दुआ मांग रहे मैं क्यों आ गया इस राइड पे। एकदम 360 राइड है एकदम, मैं तो फर्स्ट टाइम जा रहा हूँ, पता नहीं क्या होगा। आपको ये ब्लॉग देखने भी मिलेगा या नहीं मिलेगा, मैं सुनता रहूँगा। चलिए बहुत इंजॉय हो रहा है। जिसको भागना है अभी भाग सकता है, अचल भागना है भाग जाओ, आए क्यों है, चलो देखते हैं। इन लोग का हालत खराब हो चुका है, भागना नहीं है तो तेरे को हैशटैग डेयरिंग पीपल। ये चलते हैं खतरनाक राइड पे। भैया भैया इधर बैठेगी, इधर आ जा, इधर बैठ जा, आ जा बाबू इधर आ। तो अंदर से निकल रहे, हालत खराब हो गया, मैं फोन नहीं निकाल पाया क्योंकि पूरा पैक्ड हो गया था यार, एकदम पूरा 360 मिक्सर ग्राइंडर के जैसा ग्रेविटी करना कोई चीज होता है भाई। फिर मेरा 360 राइड के बाद मेरा हेयर का एकदम बुरा हाल हो गया, एकदम ऐसा लग रहा था मेरा खून मेरा सिर पे आ गया है। तो बहुत मज़ा आया, मैं तो फर्स्ट टाइम गया तो मिल गया। अब उस राइड के बाद और कोई भी राइड अब बच्चा ही लगेगा।
ये पीछे देखिए बच्चों लग कर आए। मैं इसको बोलता हूँ मिक्सर ग्राइंडर, पूरा ग्राइंड कर देता है। ये भैया का फेवरेट राइड है। जा रहे हैं ये लोग टोरा टोरा पे नहीं जाएगी। नंदनी बड़ी हो गई क्या? अरे तुम लोग बड़ी हो गई है। बाबू बड़ा हो गया, इस पे नहीं जाएगा अब। बाबू तू बड़ा हो गया, अब इसमें नहीं जाएगा। ये लो, ये इधर जा रही है अकेले। हम लोग जाएंगे इधर। अरे भाई भाई पूछना पूछना। हम लोग जैसा कि रोलर कोस्टर राइड पर बैठे हैं और कैसा रोलर कोस्टर पता नहीं कैसा है, इसका नाम है ऑक्टोपस रोलर कोस्टर राइड। देखने से तो नहीं लग रहा है, लेकिन ये देखिए कैसा लग रहा है, झूठा बना हुआ है। मजा आएगा। काफी वेट किए और अब इंजॉय करते हैं। जूता में बैठ गई है। बैठे यहाँ पे और ये दीदी जा रही है फिर से इस राइड पे। अब तक सिर फुड़वा दे और हम लोग सब यहाँ पर हैं इसमें। गाइस हम लोग का ऑक्टोपस राइड शुरू हो चुका है। अब होगा तहलका। ओ होने भी लगा तहलका, मचने भी लगा। ओ माय गॉड व्हाट इज गोइंग ऑन हियर ब्रो, आई कांट अंडरस्टैंड। भाई हम लोग जब उतरेंगे ना तो हम लोग का मैंगो जूस और बनाना शेक बन जाएगा। ऐसे कोई घुमाता है क्या भाई? This is really awesome. Octopus ride. Guys, बिना टिकट का फ्लाइट सबका हालत खराब हो चुका है। This is really awesome. मजा आ गया यार एकदम से झकास। ऐसा लग रहा है मेरे बॉडी का मसाज भी हो गया। अभी तो कपिंग करवाया था। तेरा बॉडी का टाइटा खुश हो गया। मिक्सिंग ग्राइंडिंग कमर तोड़ राइड। एस नंदनी कैसा लगा? उसमें कैसा लगा? नहीं थी, डर नहीं लग रहा था। हालत खराब हो गया, डर नहीं था, ऐसा लगता था जिम कर रहे हैं। ये दोनों ही राइड खतरनाक है। ये राइड खतरनाक था। सो गाइस सारा ही राइड बहुत खतरनाक था, मज़ा आ गया, बहुत ही थ्रिलिंग था। फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस वाज जस्ट ऑसम। और अब भूख लग गई है और चलिए खाते हैं और चलते हैं वापस घर।
सारा राइड कंप्लीट कर लिए और अब हम लोग बैठे हैं मुगला पराठा खाने के लिए। आपने कभी खाया है? नहीं खाया तो बताइएगा। ये लोग सब क्या खाएगा, तुम लोग क्या खा रही है? मुगला पराठा। सब मुगला करा पराठा खा रहा है, मैं भी वही खा रहा हूँ क्योंकि मेला में वही अच्छा लगता है। ऐसे तो कभी नहीं खाता हूँ लेकिन आज मेला में जब भी आता हूँ तो खा लेता हूँ। सारा राइड काफी मस्त था, मजा आ गया। हमको एक बोतल ठंडा पानी चाहिए। पसीना छूट गया मेरा। इस लड़की को भूख लगा, टोकन लेके बैठी है। अभी तक टोकन लेने वाला नहीं है, अभी आ रहे हैं। तो गाइस खा लिए और मेरा पेट थोड़ा भर गया तो चलते हैं वापस घर। अभी भी देखिए कितना भीड़ है यहाँ पे रात के 11 बजे। मेला से बाहर निकल गए हैं और अब जा रहे हैं अपने गाड़ी में और बहुत मतलब दूर में पार्किंग लगा था इसलिए हम लोग 2-3 मिनट से पैदल चल रहे हैं। फाइनली हम लोग पहुँच गए, अब घर जाएंगे हम लोग और आराम करेंगे। पर थी हमारी स्विफ्ट और ये लेट्स गो। बाय 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 बाय। तो लेट्स गो। बाय गाइस, अब तुम चला अपने घर और आप लोग भी सतर्क रहिए। लो भाई भूल गए क्या बोल रहे हैं, थोड़ा स्क्रिप्टिंग में थोड़ा ये हो जाता है आपको। चलो ठीक है, बाय, मिलते हैं, मस्त मेला घूमने मजा आ गया। गेट लगा दो मेरे पापा का नंबर ले ले। से बाहर आ गए और वापस जा रहे हैं घर और हम लोग बहुत सारा राइड एंजॉय किए हैं और सबसे खतरनाक राइड वो तो आपने ब्लॉग में देखा ही और मज़ा आ गया। और हम लोग खाए लास्ट में मुगला पराठा और साथ में पैक करके भी घर के लिए लेके जा रहे हैं। अच्छा नहीं था लेकिन ले लिया, सबसे खा लेंगे घर, भूख लगेगी घर तो चलिए। तो हेलो गाइस, फाइनली हम लोग घर पहुंच गए हैं और इस ब्लॉग को यहीं पर एंड करते हैं। आप लोग से मिलते हैं फिर कभी एक नए ब्लॉग में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, गुड नाइट और सेफ रहिए।